नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। चुनौती चुनाव और चाहत के बीच चुनाव आयोग की ओर अब राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। जनता के बीच अपनी अपने दल की चुनौती, चुनाव को टालने की घबराहट और कोर्ट से कोरोना इफेक्ट के चलते मोहलत मिलने की आस में महागठबंधन के घटक दल परेशान हैं, तो वहीं एनडीए के सभी घटक तय समय पर चुनाव को लेकर रिहर्सल कर रहे हैं। राजद के वरियतम नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को लुभाने की कवायद राजनीतिक दलों के लिए एक बेहतर अवसर समान होता जा रहा है, क्योंकि इलाजरत सिंह साहब राजद के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे बयानों से आहत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक टेक्नोक्रेट है, इसलिए कभी कभी उनके अंदर का इंजीनियर जाग उठता है और वे जमीन पर काम देखने जैसी बात कहने लगते हैं। बतौर राजनीतिक सेवा वे तमाम घालमेल जानते हैं। जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने जिस प्रकार माथहतों को हरकाया तथा खुद मरहम भी लगाया, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव विरोधी एकता को समर्पित दिख रहा है, लेकिन सीटों के नाम पर अति महत्वाकांक्षी राजद, वामदल, कांग्रेस, झामुमो एवं अन्य दलों की आशाएं भी हिलोर मार रही हैं। गंगा नदी को बिहार का लाइफलाइन माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कई माह पहले गंगा नदी का जल को गया क्षेत्र की जनता को सुलभ कराने की बात की थी। कागज पर जल संसाधन विभाग के मातहतों ने पटना से दक्षिण दिशा की ओर गंगा नदी की धारा की योजना का जो प्रारूप तैयार किया था, अब उसे बदलकर नई योजना मोकामा पर काम की बातें की जा रही है। वाहनों के लिए जरूरी कागजात पर परिवहन विभाग ने कोरोना के चलते थोड़ी राहत देने का ऐलान कर तनाव कम कर दिया है। यानी अब वाहनों के सभी पेपर, डीएल की वैधता तथा अन्य कागजात दिसंबर अंत तक बढ़ाकर राहत दिया है। सिटी बसों का परिचालन आज से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यात्री बढ़ गए हैं। अब यात्रियों की सेवा में 100 सिटी बसों को लगाया गया है, ताकि आवागमन बाधित न हो पाए। सभी बसों को तथा यात्रियों के लिए कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। इस बीच पटना के विभिन्न क्षेत्रों में 347 नए कोरोना संक्रमितों की संख्या उजागर होने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। सबसे अधिक 28 मरीज दानापुर क्षेत्र में मिले हैं। सभी का उपचार शुरू कर दिया गया है। मांगों के समर्थन में प्रस्तावित डॉक्टर एएनएम की हड़ताल पर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। 27 अगस्त से हड़ताल शुरू होने की संभावना व्यक्त की गई थी, जो अब स्थगित हो गई है। सरकार और जनता ने राहत की सांस ली है। नदियों के रौद्र रूप की परवाह किए बगैर नाव परिचालन करना इन दिनों परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लगातार बढ़ रही नाव दुर्घटना के लिए नाविक और लोग दोनों जिम्मेदार है। इन दिनों नदियों की तेज धार में हादसों का बढ़ते रहना प्रशासन की भी विफलता है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।